ओके सो गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्काइलर वर्सेस ज़ेन करेक्टर। और गाइस, ये सीन बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है क्योंकि ऐसा वर्सेस ना तो आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। अब गाइस, जो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्सेस होता है वो हम करेंगे कि आखिर स्काइलर बेस्ट है या फिर ज़ेन, तो भाई कौन क्या कर सकता है वो चीज़ अभी आप देखोगे। तो सबसे पहले तो गाइस, हमने एक ग्लोबल लगाया। गाइस, जो यहाँ पे पहला वर्सेस है, पहला वर्सेस में हम ये टेस्ट करेंगे कि आखिर इन दोनों में सबसे पहले ग्लोबल कौन तोड़ता है। तो ये सीन बहुत ज्यादा यूनिक है कि मतलब कौन तोड़ेगा सबसे पहले ग्लोबल। बट उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे आपको सेट कर देना। सो गाइस, यहाँ पे दोनों की एबिलिटी एक साथ स्टार्ट करते हैं और ज़ेन कैरेक्टर यहाँ पे फायर से तोड़ने वाला है। और यहाँ पे भाई स्काइलर का तो पावर ही भाई अलग है। तो यहाँ पे सीन क्या है, मतलब ग्लोबल को अगर तोड़ना हो तो भाई यहाँ पे ज़ेन कैरेक्टर से ज़्यादा स्पीड में तोड़ सकता है स्काइलर। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे स्काइलर के साइड से कि आखिर हुआ क्या है। मतलब यहाँ पे सीन ये हुआ कि दोनों की एबिलिटी एक साथ स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे ज़ेन कैरेक्टर ने अपनी पावर दिखाया और यहाँ पे स्काइलर ने अपना। बट भाई स्काइलर इज़ द स्काइलर, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। बट स्काइलर ने एक सेकेंड कह सकते हो अप्रोक्स पहले यहाँ पे तोड़ा। उसके बाद गाइस, जो हमने ट्राई किया जहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ग्लोबल होना चाहिए, और यहाँ पे हमने चिपकाया भाई 3 ग्लोबल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्काइलर की एबिलिटी है जो 3-4 ग्लोबल तो आराम से तोड़ सकता है। तो चलो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे सीन किया कि हमने 3 ग्लोबल लगाया। अब यहाँ पे ज़ेन कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो जितना भी ग्लोबल तोड़ सकता है। बट यहाँ पे सीन किया कि सबसे फास्ट में ग्लोबल कौन तोड़ता है। अब ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी। तो अभी यहाँ पे स्काइलर के साइड से भी 3 ग्लोबल लगने वाले और 3 तो हमने लगा दिया है। अभी यहाँ पे देखते हैं 1, 2, चलो 3 हो गए। अभी यहाँ पे हम एक साथ एबिलिटी यूज करेंगे एंड एक साथ टेस्टिंग करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस देखो, यहाँ पे 3 ग्लोबल स्काइलर ने तोड़ दिया और ज़ेन कैरेक्टर को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो मतलब यहाँ पे ग्लोबल तोड़ने में तो भाई एक्सपर्ट है हमारा यहाँ पे स्काइलर कैरेक्टर। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर हम दोनों साइड यहाँ पे ग्लोबल लगते हैं, एक साइड स्काइलर एक साइड हमें, तो देखते हैं ग्लोबल सबसे पहले किधर का टूटता है। चलो एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो भाई तो गाइस यहाँ पे स्काइलर सबसे फास्ट ग्लोबल तोड़ता है। चलो गाइस, अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेकेंड वर्सेस में। मतलब इसी में यहाँ पे और भी एबिलिटी टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से किसके पास कितना ज़्यादा पावर है। चलो गाइस, सबसे पहले अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे हमने ट्राई किया कुछ अलग करने का और ये अलग बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब समझ रहे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक ही नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो को फैला दो चारों ओर, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ओपी बना है, समझ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप फ्री में डायमंड ले सकते हो, फ्री में डीजे लॉक ले सकते हो, फ्री में क्रोनो करेक्टर ले सकते हो। तो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो रूटर ऐप को, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड वीडियो यहाँ पे देखने के क्वाइन मिलते हैं, जिस क्वाइन के बदले आप लोग को डायमंड मिलते हैं, डीजे लॉक एंड क्रोनो करेक्टर मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेली टास्क देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वाइन आपको इकट्ठे कर लेने हैं। जब आपके क्वाइन कंप्लीट हो जाएंगे, काफ़ी सारे हो जाएंगे, एकदम से कूपन के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे पेटीएम कैश भी ले सकते हो। बट आपके पास पेटीएम नहीं है तो आप डायरेक्ट फ्री फायर में डायमंड ले सकते हो। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ट्राई करो, डीजे लोगे एंड डायमंड लेने का एक अच्छा खासा मौका है। और जितना ज़्यादा आप कॉइन इकट्ठे करोगे उतना ज़्यादा आप लोग को डायमंड मिलेगा। तो बस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड जाओ सभी लोग। सो गाइस, यहाँ पे हम आते हैं सेकेंड वर्सेस पे। तो सेकेंड वर्सेस है भाई दोनों की एचपी पावर। अब दोनों के पास एचपी इंक्रीज करने का पावर तो है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए इस कैरेक्टर को लेकर, मतलब ज़ेन कैरेक्टर को लेकर, तो यहाँ पे आपको 100 एचपी तुरंत मिलता है। बट ये जो एचपी है एक उधार टाइप होता है, मतलब तुरंत आपको वापस भी ले लिया जाता है कुछ 8 सेकेंड या कुछ लेवल के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्काइलर कैरेक्टर है उसका एचपी रहता है परमानेंट, मतलब जब तक आप डैमेज नहीं खाओगे तब तक एचपी रहेगा और यहाँ पे कोई भी आपको उधार एचपी नहीं मिलता। बट ज़ेन कैरेक्टर में 100 एचपी तुरंत तो मिलते हैं, बट भाई कुछ टाइम के लिए, समझ रहे हो। तो गाइस, यहाँ पे स्काइलर में अगर आप ग्लोबल लगाते हो तो बदले में आपको एचपी भी मिलता है और ये एचपी आपके बहुत काम आते हैं। एंड सो गाइस, अगर एचपी की बात करोगे तो भाई ज़ेन कैरेक्टर यहाँ पे इंस्टेंट 100 एचपी तो देता है, बट वो कुछ पल के लिए होता है जो कि रिटर्न हो जाता है। बट स्काइलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार आपको एचपी आया तो भाई जब तक आप डायमंड्स नहीं खाओगे इनमें से तब तक आपका एचपी नहीं घटने वाला। तो ये सीन यहाँ पे स्काइलर कैरेक्टर में देखने को मिलता है। और लेकिन ज़ेन कैरेक्टर को जो सबसे खास बनाता है
स्काइलर कैरेक्टर के जो शील्ड है उसको सबसे फास्ट तोड़ता है। अगर आप शॉर्ट गन ट्राई करते हो तो भाई दो वेपन में, बाकी के अगर कोई भी यहाँ पे SMG एमओ या कोई भी वेपन ट्राई करोगे तो एकदम फास्ट यहाँ पे स्काइलर का शील्ड को तोड़ता है। तो ये पावर एडिशनल है Xayne कैरेक्टर में जो कि हमारा स्काइलर नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पे हमारा Xayne कैरेक्टर आगे है। तो आप बताओ इन दोनों में से सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन हुआ। तब तक लिस्ट गुड।